Let's make this customized eggless chocolate cake with some Jugado tips and tricks. तो इस केक को बनाने के लिए मैंने लिया है 130 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें हम वाटर ऐड करेंगे अकॉर्डिंगली। इसमें आप मिल्क भी ऐड कर सकते हो रूम टेम्परेचर पे, बट मैं इसमें जब भी प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ तो उसमें मैं वाटर ही ऐड करती हूँ। तो अभी हम इसमें अकॉर्डिंगली वाटर ऐड करके बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का इस बैटर को बना लेंगे। फिर मैंने ये लिया है 5 इंच का केक टिन, जिसमें मैंने ये इको बेक का बटर पेपर लाइन कर दिया है। अब इसमें जो हमारा ये केक बैटर है इसको हम अच्छे तरीके से पोर करके टैप टैप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपने OTG को प्रीहीट किया था फॉर 10 मिनट्स और यहाँ पे मैं 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए अपने स्पॉन्ज को बेक करूँगी। अब मैं यहाँ पे ट्रोपोलाइट का प्रीमियम व्हिपिंग क्रीम मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना पहले 70 ml क्रीम लिया था, मुझे लगा था कि हो जाएगा बट ये क्रीम मुझे कम पड़ी थी, तो बाद में मैंने थोड़ा सा और ले लिया था। अब यहाँ पे मैं अपने स्पॉन्ज को डीमोल्ड कर रही हूँ और ये देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी बना है ये। अब हम इसको ब्रेड नाइफ के हेल्प से 4 पार्ट्स में कट करेंगे। वैसे मैं जब बड़ा स्पॉन्ज होता है मेरा 7 इंच का या 6 इंच का, तो उसको मैं थ्रेड की हेल्प से कट करती हूँ, बट ये मेरा 5 इंच का था तो मैं इसे जो है नाइफ़ की हेल्प से ही मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पे हम अपने केक बोर्ड पे थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे जिससे हमारा ये स्पॉन्ज परफेक्ट स्टिक हो जाए। अब इस पे जो मैंने ये चीनी पानी और गनाश का मिक्सचर बनाते हो उससे मैं सोक कर लूँगी स्पॉन्ज को। इस पे मैं जो मेरी व्हिपिंग क्रीम थी इसको मैं लगा लूँगी। व्हिपिंग क्रीम जो है जब भी आप लेयरिंग करो तो ज़रूरी नहीं होता कि स्टिफ पिक हो, सॉफ्ट पिक भी होगा तो चलेगा। अभी इसमें मैं अपने गनाश डाल लिया मैंने और जो मैं घर पे चॉको चिप्स बनाई थी वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और फिर वही सेम प्रोसेस होगा सारे लेयर्स के साथ। क्रीम होगी, गनाश होगा, चॉको चिप्स होंगे। तो मतलब मैं जब भी चॉकलेट केक बनाती हूँ ना तो मैं भर भर के उसमें चॉकलेट यूज़ करती हूँ, वो चाहे गनाश हो या चॉको चिप्स हो, क्योंकि जब आप खाते हो ना तो वो मुँह में जब टेस्ट आता है वो चॉको चिप्स का गनाश का, तो एक अलग ही टेस्ट होता है। मतलब बेकरी में आपको वो टेस्ट नहीं मिलता जो होम बेकर के घर के केक का टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं इस केक को पिंक कलर में बना रही हूँ, तो ये मैं अभी थोड़ा सा क्या है कि इसके क्रम कोटिंग कर रही हूँ, बिकॉज ये मेरा केक जो था ना ये चॉकलेट केक था तो उसका बेस जो था वो ब्लैक था, तो मैं जब ये पिंक से इसकी फाइनलाइजिंग करती ना तो वो कहीं ना कहीं से बेस उसका ब्लैक बहुत ज़्यादा दिखता है, इसलिए मैं इसको वाइट क्रीम से पहले प्रॉपरली एकदम से क्रम कोट कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी पिंक वाली क्रीम इस पर यूज़ करूँगी पाइपिंग बैग से। अभी तो मैं पैलेट नाइफ से ही डायरेक्ट कर ले रही हूँ बट उसको मैं फाइनलाइजिंग जो होगी वो पाइपिंग बैग से करूँगी। उससे क्या होता है कि परफेक्ट फिनिशिंग आती है इसमें। तो इसमें मैंने क्या क्या जुगाड़ किया इस केक में मैं वो आपको बताती हूँ। ये जो मेरा पहले ये बताती हूँ, ये मैं यहाँ पे पेपिलॉन का फूड जेल कलर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर फाइनलाइजिंग कर रही हूँ। तो हाँ, मेरा मैं अपना जुगाड़ बताती हूँ। तो ये जो मेरा केक बोर्ड आप देख रहे हो ना, ये मैंने घर में ही बनाया है। ये मैं मेरे पास क्या हुआ था कि ये केक मैं मेरी सोसाइटी में ही बर्थडे था मेरी फ्रेंड का, तो मैं उसको गिफ्ट कर रही थी, तो उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन करके बुलाया। तो मेरे पास ना ये 5 इंच का केक था तो इतना छोटा केक बोर्ड था नहीं, मेरे पास केक बोर्ड बड़े बड़े थे, तो मैंने ये जुगाड़ करके घर में ही एक कार्डबोर्ड कार्ड कट करके उस पर मैं ये वो गिफ्ट रैपर होता ना वो मैं बना, उससे मैंने इसको केक बोर्ड अच्छा सा बना लिया। अभी आगे एक और जुगाड़ मैं बताऊँगी, जो मैं रोजेट्स ऊपर लगाई थी ना वो रोज़ मैं बिना फ्लावर नेल के बनाई हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसे बनेगा। तो अभी यहाँ पे हम अपनी फाइनलाइजिंग कर रहे हैं केक की। तो जब भी आप फाइनलाइजिंग करो ना तो एक किसी को खड़े करके रखो जो आपको पॉइंट करके के बताए कि देखो यहाँ से बेस दिख रहा है, जैसे मुझे बता रहे थे। तो अभी यहाँ पे मैं लाइट पिंक कलर से फाइनलाइजिंग कर रही हूँ। इसमें मैं आपको ब्रश का यूज़ करना बताऊँगी। मैंने बताया था कि मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ब्रश से पैटर्न कैसे देते हैं, तो मैं इसमें बता रही हूँ। ये इस तरीके से
आप जो है ब्रश से पैटर्न दे सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने ना ऊपर के साइड पे ब्रश से पैटर्न लिया था और साइड में मैंने स्मूथ आइसिंग की थी। तो पहले मैं ना ये नोज़ल से इसके रोजेट्स बना रही थी, तो मुझे ना कुछ जमा नहीं कि लगा कि तो सिंपल बेकरी जैसा है, तो मैंने उसको हटा दिया। फिर मैं ये इस तरीके से रोज़ बना के फिर मैंने उन सबको केक पे प्लेस किया। तो ये मेरा दूसरा जुगाड़ है, मेरे पास फ्लावर नेल नहीं है तो मैं ये पोटैटो मैशर पे ये रोज़ बना रही हूँ। ये मैं नूर का रोज़ पेटल वाला नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। तो इस ये जुगाड़ लगा के मैंने ये रोजेट्स बनाए थे और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये सिंपल होता है, पोटैटो मैशर लो, आप ऐसे बस स्वल बनाते जाओ, लीव्स बनाते जाओ उल्टा सी करके, और फिर उसके बाद कैंची से आप इसको लेके ऐसे प्लेस कर सकते हो जैसे मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे रोजेट्स बना के सारे जो है लगा दिए थे ऊपर के साइड पे, और मेरे पास ये पर्ल्स वाला शुगर बॉल था तो वो मैंने प्लेस कर दिया रोजेट्स पे और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने ये सिल्वर वाली शुगर बॉल्स जो है साइड में थोड़ी सी प्लेस कर दी थी, कि जैसे मैंने बताया था ना मैंने पैलेट नाइफ से इसको सीजर्स और पैलेट नाइफ से प्लेस किया था रोज़ को, तो थोड़ा सा उसका पेटल्स जो था थोड़ा सा क्रीम हिलडुल गई थी, तो उसको मैंने ना ये सिल्वर बॉल से कवर कर दिया तो वो पता नहीं चल रहा था। तो मतलब आप केक में इस तरीके से डेकोरेट कर दो ना चीज़ें तो मतलब अच्छी लगती है। आप जुगाड़ करके भी कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हो तभी होगा। अब मैं यहाँ पे ये छोटा सा मेरे पास स्टार नोज़ल था, इस पर कोई नंबर नहीं था, ये छोटा वाला स्टार नोज़ल है उससे मैंने केक का बॉर्डर बना दिया, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। अभी के पता नहीं वीडियो में आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं, बट ये बहुत सुंदर लग रहा था सामने से ये केक। उसके बाद भी मुझे थोड़ा थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो ये जो छोटा वाला स्टार नोज़ल था ना मैंने इससे ना छोटे छोटे स्टार्स बना दिए ऊपर रोज़ के बगल बगल में, जहाँ जहाँ पे मुझे खाली खाली सा लग रहा था वहाँ पे मैंने ना छोटा छोटा स्टार्स बना दिया। तो उससे जो है ना केक के जो फाइनल लुक हुआ उससे इतना प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था वो, कि मतलब वो जो खाली खाली सा लग रहा था वो बिल्कुल भर गया बहुत अच्छी तरीके से। तो मैंने इस तरीके से छोटे छोटे स्टार फ्लावर भी बना दिए। फिर मुझे साइड में थोड़ा सा खाली लगने लगा तो वहाँ पे भी मैंने सिल्वर बॉल्स लगा दिए, और फिर जिसका बर्थडे था उसका नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक मेरे केक का, ये एगलेस चॉकलेट केक है, ये कस्टमाइज केक इसको आप कह सकते हो। ये बेकरी में ये डिज़ाइन आपको ईजिली अवेलेबल नहीं होती है, अगर होगी भी तो बहुत हाई होगी। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।